हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आई होप यू आर वेल। वेलकम टू दिस वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सिक्स क्लास चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी। जिसने भी मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस फर्स्ट वीडियो को देख लें। नाउ लेट्स मूव ऑन चैप्टर नंबर 2। इसमें टॉपिक है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसका सीधा सा क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसका हमारी डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव ऑन दिस चैप्टर। तो हम प्रीवियस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वो सोलर सिस्टम के बारे में एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, ग्लोब क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ग्लोब को देखा होगा, इसके मिनिएचर डिफरेंट शेप्स को देखा होगा, स्कूल में रखा हुआ या फिर कहीं किसी ऑफिस में या फिर घर में कई बार होता है, तो आपने उसके मिनिएचर को देखा होगा। तो इट्स लाइक अर्थ लाइक फिगर। अभी इसी तरीके से हम अर्थ को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ जो है हमारा गोल है, गोल लाइक नॉट अ स्लेटन, इट इज़ अ गोल जियोइड शेप में। ठीक है, हम अपने अर्थ को किस शेप में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो जियोइड शेप है। और इसमें हम जो ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, उसका भी हम देखेंगे कि कहाँ होता है। जैसे कि सपोज़ दिस इज़ आवर अर्थ एंड दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज़ कॉल्ड 0 degree और इट्स कॉल्ड इक्वेटर। यू कैन सी हेयर इक्वेटर, दिस इज़ पॉइंट एक्सिस, इट्स कॉल्ड एक्सिस, और दिस इज़ पॉइंट पोल, दिस कॉल। सिमिलरली इधर भी पोल होगा, एक्सिस होगा, तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। नाउ वी कैन सी दिस पिक्चर, नाउ यू वी कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्सिस ऑल्सो कॉल पोल, दिस इज ऑल्सो कॉल पोल। ठीक है, अब हम ऐसे हमें पता कैसे चलेगा ये भी पोल है ये भी पोल है, तो हम कैसे समझेंगे इसे, तो हम इसे समझेंगे एक लैटिट्यूड लाइन से। कैसे समझेंगे, लैटिट्यूड लाइन से। तो लैटिट्यूड लाइन को किस तरीके से समझेंगे, नाउ वी विल मूव ऑन दिस इमेज। यू कैन सी दिस इमेज एंड दिस इमेज, यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इमेज। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ये है इक्वेटर है, इक्वेटर क्या करता है, हमारे अर्थ को पूरे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक दर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा ईस्टर्न साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये बराबर डिफाइन करता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा पोर्शन नॉर्थ में है, कौन सा पोर्शन नॉर्थ में है, जैसे साउथ में है। जैसे कि अगर हम 0 degree से 30 degree नॉर्थ की साइड जा रहे हैं, तो हम नॉर्थ की साइड जा रहे हैं एंड 30 degree साउथ की साइड जा रहे हैं, तो हमें पता होता है कि हम नॉर्थ की साइड जा रहे हैं, साउथ की साइड जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम इक्वेटर को और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर वी कैन सी दिस इमेज, या दिस इज इक्वेटर, दिस इज 20 degree नॉर्थ, 40 degree नॉर्थ, 60 degree नॉर्थ, 80 degree नॉर्थ। मतलब हमें नॉर्थ को डिफाइन करना ज़रूरी रहता है, अदरवाइज हमें यही नहीं पता होगा कि हम नॉर्थ जा रहे हैं साउथ जा रहे हैं। तो इसी तरीके सिमिलरली साउथ की साइड भी जब जाएंगे 20 degree साउथ, 40 degree साउथ, इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा इमेजिनरी लाइन, हम इक्वेटर जो है ये हम अर्थ को समझते हैं इमेजिनरी लाइन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी जो इमेजिनरी लाइन है लाइक लैटिट्यूड है, तो वो पैरेलल लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन जा रही है, मतलब बट क्या है, पैरेलल लाइन जा रही है, और हमारा जो इक्वेटर है वो 360 degree है। और अगर वैसे ही हम नॉर्थ पोल पर जाएंगे, यू कैन सी दिस इज़ नॉर्थ पोल, अगर हम नॉर्थ पोल की साइड जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा 360 degree के। ठीक है,
तो इट मींस 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो जाएगा, 90 डिग्री साउथ पोल हो जाएगा। तो इस पैरेलल लाइन, बट ये हमारी जो है इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब एक दूसरे, ये जो पैरेलल लाइन है वो एक दूसरे को नहीं काटती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये हमारी जो है पैरेलल मूव करती है, ठीक है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन मूव ऑन दिस टाइम, जो हम थोड़ा टेम्परेचर के बारे में जान लेंगे, बट हम टेम्परेचर को काफ़ी अच्छे से नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट हम बस अभी टाइम जोन और इसके इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो इक्वेटर है, जो हमारा इक्वेटर है वो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट सन जो लाइट है हमारी यहीं पर पड़ती है, तो इस सन लाइट को यहाँ पर पड़ती है। और इस टाइम, और जो ये टैप यहाँ पर जो हमारा जो 23rd हाफ नॉर्थ में और 23rd हाफ साउथ के अंदर जो हमारा जो टाइम बिटवीन जो जोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। मतलब इसका सीधा सा सिंपल ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इसके बीच में जो है जो सन की जो लाइट है सबसे ज़्यादा यहीं पड़ती है, मतलब ओवर हेड होती है। बट जैसे ही ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर से ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारी जो हीट, सन की हीट है वो थोड़ा रिड्यूस स्लेटिंग मोड में आ जाती है, मतलब स्लेटिंग हो जाती है। जैसे कि यू कैन सी दिस पिक्चर, अगर हम टॉरिड जोन में है तो हमारी जो सन की लाइट है, जैसे सपोज दिस इज, ये टॉर्च को देख सकते हैं कि जो इसके डायरेक्टली सर पर जा रहा है, बट अगर हम हमारा जो टेम्परेट जोन में अगर हम आएंगे तो हमारी जो जो सन का हीट है वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश क्या करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है, जैसे ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच की जो लाइन है वो टॉरिड जोन कहलाती है, ठीक है। और अगर ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर से आर्टिक सी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन। और इसी तरीके से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल की ओर जाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टेम्परेट जोन, मतलब साउथ टेम्परेट जोन। इस साउथ टेम्परेट जोन को हम क्या बोलेंगे, साउथ टेम्परेट जोन को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर भी क्या होगा, सन की हीट जो होगी वो थोड़ी स्लेटन हो जाएगी, मतलब यहाँ पर हमारी प्रॉपर जो सन की लाइट ओवर हेड थी वो यहाँ नहीं आएगी, मतलब सन की हीट जो है थोड़ा कम हो जाएगी यहाँ पर। बट अगर हम आर्कटिक सर्कल से ऊपर की साइड जाते हैं तो इट्स कॉल्ड फ्रीज जोन। और साउदर्न की साइड में भी अगर हम जाएंगे अंटार्कटिक सर्कल से ऊपर तो यहाँ पर भी क्या होगा, फ्रीज जोन, यहाँ पर भी फ्रीज जोन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक यही समझ चुके होंगे, बट जो हमारा इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर है और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है 23 हाफ नॉर्थ है, 23 हाफ साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, एंड अंटार्कटिक सर्कल जो है हमारा 66 हाफ साउथ में है, ठीक है। अब यहाँ से हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड क्या है कि आप यहाँ पर 0 डिग्री देख रहे होंगे कि प्राइम मेरिडियन जो लाइन है वो 0 डिग्री है। अगर हम 0 डिग्री से ईस्टर्न साइड जा रहे हैं, जैसे ईस्टर्न 30 डिग्री ईस्टर्न, 60 डिग्री ईस्टर्न, 40 डिग्री, 90 डिग्री ईस्टर्न, 120 डिग्री ईस्टर्न एंड 80 डिग्री ईस्टर्न, तो हम यहाँ पर हम ईस्टर्न साइड को डिफाइन कर रहे हैं। बट अगर हम दूसरे छोर पर, यानी कि दूसरे सिरे पर अगर हम ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो 30 डिग्री वेस्टर्न, 60 डिग्री वेस्टर्न, 90, 180 डिग्री, तो हमें ये वेस्टर्न लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें हम सीखेंगे कि हमारा लोकेशन क्या है, हमारा ईस्टर्न में है या वेस्टर्न में है, जैसे कि मॉरीशस ईस्टर्न साइड में है या वेस्टर्न साइड में है। तो हम इस तरीके से गूगल मैप के थ्रू अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो हमें ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का तुम्हारा काम क्या रहेगा कि आपको वर्ल्ड मैप देखना है गूगल मैप से, और उसमें हमें देखना है कि कौन सी कंट्री ईस्टर्न साइड में है, कौन सी कंट्री वेस्टर्न साइड में है, और कौन सी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड के मिड में है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे।
तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर मैं चल रही हूँ। यहाँ पर मैं देखेंगे कि टाइम जोन को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है वो किस तरीके से टाइम को डिफाइन करती है। तो अब जैसे ये आप डिग्री देख रहे होंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये हमारे टाइम को डिफाइन करती है। किस तरीके से डिफाइन करती है देखिएगा। सपोज तो हमारा किस तरीके से करती है कि अगर हम हमारे यहाँ 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में कितने बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे। तो हमारा जो इंडिया है वो वहाँ पर 12 बजे से 5:30 बजे, मतलब 5.5 घंटे का हमारे यहाँ पर गैप है इंडिया और लंदन के बीच में। तो हमारे यहाँ पर वहाँ पर 12 बजे हैं तो यहाँ पर इवनिंग के 5:30 बज रहे होंगे, इट्स जाहिर सी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, डे को लॉस कर रहे हैं, ठीक है, डे हमको क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हमारा लंदन से अगर हम वेस्टर्न साइड में जाए तो हम डे को क्या करेंगे, गेन करेंगे। किस तरीके से, वहाँ पर 5:30 बज रहे होंगे। तो इसी तरीके से अब ये नहीं कि हमारा डिग्री वेरी करती है, जैसे कि अगर हम 15 डिग्री को देखें, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, अगर 4 मिनट, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस, तो यहाँ पर जैसे कि क्या होता है कि हमारे जो पूरा 180 को हम अगर हम ऐड कर देते हैं, 360 डिग्री का हमारा ग्लोब है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अगर हम उसे उसके टाइम जोन को देखें तो वो 24 आवर के टाइम को डिफाइन करते हैं, मतलब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। जो 15 मिनट होते हैं वो क्या होता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट, अगर हम 1 डिग्री अगर हम एक मतलब ईस्टर्न साइड चलेंगे मेरिडियन लाइन से, तो वहाँ से अगर हम जाएंगे तो हमारे पास कितना डिफरेंस आएगा, 4 मिनट का। इसी तरीके से अगर हम 15 डिग्री चलते हैं इनटू 4 करते हैं तो 1 आवर का हमारा जो टाइम है वो इस तरीके से होगा, मतलब अगर 1 आवर हम आगे हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम वेस्टर्न साइड जा रहे हैं तो 1 डिग्री में हमारा कितने 4 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में अगर हम वेस्टर्न साइड जा रहे हैं तो हमारे 4 मिनट लेस होंगे, यानी कि अगर 12 बज रहे हैं लंदन में और अगर 4 मिनट लेस होंगे तो हमारा कितने बज रहा होगा, 11:56 बज रहा होगा वहाँ पर वेस्टर्न साइड में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम अपने इंडिया के कंट्रास्ट में समझें तो हमारा जो वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड के बीच का जो गैप है हॉरिजॉन्टली, तो हमारे कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड का गैप है, तो हमारा 68 डिग्री ईस्टर्न टू 97 डिग्री ईस्टर्न। तो अगर हमारे अप्रोक्सी 30 डिग्री डिस्टेंस है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे जो इंडिया के अंदर ही कि गुजरात में अगर 4 बज रहे हैं तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हमारे वहाँ पर 6 बज रहे होंगे, तो 2 घंटे का डिफरेंसेस है। बट हमने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन रखा हुआ है ताकि दोनों टाइम को बैलेंस कर सके, मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई काम कर रहा है 5 बजे से स्टार्ट होता है सपोज ऑफिस, तो वहाँ पर गुजरात में और अर्ली मॉर्निंग में हो जाता है, जैसे कि 5 बज रहे होंगे तो 4 बजे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम काउंट करेंगे और हम इसे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी 7th 8th में, हम उसे डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी, बट अभी आप एलिजिबल हो इसे पूरा डिटेल में ये क्वेश्चन आंसर करने के, तो आप ये क्वेश्चन आंसर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेल के थ्रू मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। सो नाउ थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मेरे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू सो मच।